स्टडी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th फिजिक्स का न्यू सिलेबस, जो कि फ्रेंड्स नए शैक्षिक सत्र 21-22 के लिए है। फ्रेंड्स, यह सिलेबस है, ये यूपी बोर्ड का ही सिलेबस है। फ्रेंड्स, हम लोग नए सिलेबस में देखेंगे कौन से चैप्टर नए आए हैं, कौन से पुराने। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इन्हीं चैप्टरों को, यानी कि देखिए फिजिक्स के इन्हीं चैप्टरों को पढ़ करके आपको वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा देनी होगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपको बता दूं कि फिजिक्स जो है क्लास 11th की दो भागों में बंटी रहेगी, पार्ट वन और पार्ट टू में। तो पार्ट वन में आपको कुल मिला के 8 चैप्टर पढ़ने होंगे और पार्ट टू में मिला के 7 चैप्टर पढ़ने होंगे। तो बात करते हैं पहले पार्ट वन से कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, जो पार्ट वन में पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान, यानी कि जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स है उन्हीं, मतलब उसी के चैप्टर ही है, उसका मतलब चैप्टर दे दिया है, ठीक है। भौतिक विज्ञान क्या होता है, ये चीज़ें दे दिया। पहला चैप्टर आपको पढ़ना होगा, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा मात्रक एवं मापन, ठीक है। और फ्रेंड, जो तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा सरल रेखा में गति, और जो चौथा चैप्टर आपको पढ़ना होगा समतल में गति। फिर यदि आपको और भी विषय का चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं किसी भी विषय का, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे पाँचवें चैप्टर की, पांचवा चैप्टर को पढ़ना होगा गति के नियमन, ठीक है, गति के नियम। और जो छठा चैप्टर को पढ़ना होगा कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और जो छठा सातवां चैप्टर को पढ़ना होगा कणों के निकाय तथा गुड़ी गति। और जो आठवां चैप्टर को पढ़ना होगा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, जो पार्ट टू में कौन से चैप्टर को पढ़ने हैं। तो फ्रेंड, पार्ट टू से बताने से पहले आपको बता दूं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सबको ना सिलेबस बताने के बाद ये सबकी वीडियो मिलती रहेगी, यानी कि जो सिलेबस शुरू कर दूंगा आपको पढ़ाना, ठीक है। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट वन में पहला चैप्टर आपको पढ़ना होगा ठोसों के यांत्रिक गुण, ठीक है। जो दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा तरलों के यांत्रिक गुण, ठीक है। जो तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा द्रव के तापीय गुण, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चौथा चैप्टर आपको पढ़ना होगा ऊष्मा गतिकीय, ठीक है। और जो पांचवा चैप्टर आपको पढ़ना होगा अणुगत सिद्धांत, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो छठा चैप्टर आपको पढ़ना होगा दोलन, ठीक है, दोलन। और जो सातवां चैप्टर आपको पढ़ना होगा तरंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो, और फ्रेंड्स आपको सिलेबस बता दिया, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इन सब की वीडियो मिलती रहेगी, यानी कि ये जो फिजिक्स का शुरुआत कर दूंगा अभी जल्दी पढ़ाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।